अमेरिका के जाते ही तालिबान ने शख्स को हेलीकॉप्टर से लटका कर दी सजा। वायरल वीडियो की आई सच्चाई, गोदी मीडिया की खुली पोल। अमेरिका ने 20 साल की लंबी जंग के बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया है। 30 अगस्त को अमेरिकी सेना पूरी तरह से वापस लौट गई। इस दौरान अपने कई हथियार, वाहन और एयरक्राफ्ट भी काबुल में छोड़ गई। इसी के बाद अब अफगानिस्तान पर तालिबान का एक छत्र राज शुरू हो गया है। तालिबानी शासन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। इस सबके बीच मंगलवार को एक वीडियो सामने आया जहाँ एक शख्स को हेलीकॉप्टर पर लटकाया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एयरपोर्ट के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जिस पर एक शख्स लटका हुआ था। दावा किया गया कि तालिबान द्वारा इस शख्स को अमेरिकी सेना की मदद करने की सजा दी गई है। तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किए जा रहे इस दावे से उलट अफगानिस्तान के पत्रकारों ने इस वायरल वीडियो की अलग सच्चाई पेश की है। जिस हेलीकॉप्टर पर ये शख्स लटका हुआ था वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर हॉक था। सोशल मीडिया पर तालिबानी सजा को लेकर किए जा रहे दावों से इतर जब स्थानीय पत्रकारों ने इस वीडियो की सच्चाई बताई तो हर कोई हैरान हो गया। जो शख्स हेलीकॉप्टर पर लटका हुआ है वो करीब 100 मीटर ऊंचा झंडा लगाने का काम कर रहा था, यानी उसे कोई सजा नहीं दी जा रही थी। लटका हुआ शख्स एक तालिबानी ही है जो कि झंडा लगाने के लिए लटका हुआ था। हेलीकॉप्टर की मदद से उसे लटकाया गया ताकि इतनी ऊंचाई पर आसानी से झंडा लगाया जा सके। हालांकि शख्स द्वारा की गई कोशिश में वो सफल नहीं हो पाया था। अमेरिकी पत्रकार द्वारा साझा की गई वीडियो का जवाब देते हुए अफगान पत्रकार बिलाल द्वारा ट्वीट किया गया है कि जो शख्स हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है उसे अमेरिका और यूएई में ही ट्रेनिंग मिली है। वीडियो में एक तालिबानी लड़ाका है जो झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। दरअसल वायरल वीडियो में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि शख्स को रस्सी से हेलीकॉप्टर पर लटकाया गया है, लेकिन वीडियो को जूम करके करीब से देखेंगे तो दिखाई पड़ता है कि शख्स को बांधा गया है ताकि वो झंडा लगा सके। अफगान पत्रकारों द्वारा भी इसी तरह का दावा किया गया है। साथ ही ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट का ना होकर कंधार के गवर्नर ऑफिस का है जहां पर झंडा लगाया जा रहा था। अमेरिका के कई नेताओं, पत्रकारों द्वारा बाद में इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि सच्चाई उनके दावों से अलग निकली है। आपको बता दें कि अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़कर वापस लौटा है तब वो अपने कई हथियार, वाहन और एयरक्राफ्ट छोड़कर वापस आया है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उन सभी को वो ऐसा छोड़कर आया है कि कभी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन तालिबान का कहना है कि वो अपने इंजीनियर से चीजों को सुधरवाने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आपको मिलती रहे।